सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक चैनल। इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सो भाई, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो बैक बटन, जो होम बटन, जो टास्क बटन है, इनके 3 न्यू फीचर हैं जो कि आपको इसके बारे में नहीं पता। सो फ्रेंड, आपको बताने वाला हूँ, तो इससे पहले आपको देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, क्या है वो 3 न्यू फीचर इसके, जो कि हम इनसे हटके भी हम इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इससे हटके भी हम बैक कर सकते हैं, इससे हटके भी हम होम बटन से हटके भी हम अपने डायरेक्टली होम पेज पर आ सकते हैं, और टास्क से हट से भी हम डायरेक्टली टास्क पर आ सकते हैं। फ्रेंड, आपको करने हुआ देखिए, आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा कन्वीनियंट, स्मार्ट कन्वीनियंट का ऑप्शन, जो कि आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसका, स्मार्ट कन्वीनियंट। तो स्मार्ट कन्वीनियंट पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बोर्ड रोटाटो करके वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि स्टेप बाई स्टेप मैं आपको हर तरीके से समझा सकूँ। सो फ्रेंड, काफ़ी अच्छी सेटिंग है ये, मैं इसी को अपने ऑन करके रखता हूँ इसलिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको रोटाटो करके इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड, आपको यहाँ पर स्मार्ट कन्वीनियंट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा फ्रेंड। तो आपको जाना है एक्स स्टैप बेल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एस स्टैप बेल को ऑन कर देना, अनेबल कर दीजिएगा। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो चक्र का जो आपका ये जो ओपन हो जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं हमारे ये पहले नहीं था, इसको देखेंगे हम बंद कर देंगे तो इसको आप नहीं है, तो सिंपली इसको अनेबल करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं टॉप, मतलब फर्स्ट नंबर पर आप क्या रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर मैंने अपने बैग रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैग, अगर हम फर्स्ट बार आपको क्लिक करके दिखाएंगे इस पर तो हमारा बैग हो जाएगा सिंपली, जैसे कि देख सकते हैं बैग हो चुका हमारा, एक बार क्लिक करेंगे तो बैग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको डबल टैप, सेकंड नंबर पर आपको आप क्या डबल टैप करेंगे तो हम डायरेक्टली होम पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि हमने होम पर सिलेक्ट कर रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं डबल टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं डबल टैप करेंगे तो हम डायरेक्टली होम पेज पर आ जाएंगे। और हमने सेकेंड नंबर पर रखा टच एंड होल्ड, अगर टच एंड होल्ड को करते हैं डायरेक्टली हमने लगा है लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर रखा है हमने लॉक स्क्रीन, मतलब आप टच एंड होल्ड पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नॉन भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं अगर आप यहाँ पर दबा रखेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि मैं आपको टॉप पर रखा है मैंने सबसे फर्स्ट नंबर, आप हम एक बार क्लिक करेंगे इस पर तो बैक हो जाएंगे हम इस पर, और अगर आप डबल टैप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप करेंगे इस पर तो फ्रेंड हम डायरेक्टली अपने होम पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको डबल टैप, तो देख सकते हैं हम डायरेक्टली अपने होम पेज पर आ चुके हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड, अगर हम टच एंड होल्ड इसको दबाए रखेंगे तो हम डायरेक्टली अपने लॉक स्क्रीन पर, यहाँ पर देख रहा है आपको लॉक स्क्रीन हमारी ऑन हो जाएगी, मतलब लॉक स्क्रीन हमारा फ़ोन जो लॉक लग जाएगा। तो इसको देखते हैं मतलब टच करके, तो फ्रेंड देख सकते हैं आप हमारा कैसे लॉक लग चुका है। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है, जैसे हम एक बार बैक करेंगे, मतलब एक बार टाइप करेंगे इस पर तो बैक हो जाएगा, फिर डबल टाइप करेंगे तो हमारा डायरेक्टली होम पेज पर आ जाएंगे हम, और अगर हम इसको टच में मतलब इसको दबाए रखेंगे थोड़ी देर तो फ्रेंड्स हमारा लॉक लग जाएगा। तो इस तरह की कुछ सेटिंग है, ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है। अब इन बटनों की कोई हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आपको अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं, इन बटनों से भी हम अलग यूज़ कर सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।